असलम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच आज की जो वीडियो है वो स्पेशली है हेयर केयर के बारे में ठीक है हम लोग क्या करते हैं फेस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें लगा लेते हैं क्रीम्स ले लेते हैं अच्छे से अच्छे कपड़े ले लेते ले हैं ले ले, अच्छे से अच्छे जूते ले लेते हैं मोस्टली जो निग्लेक्ट किया जाता है वो किया जाता है अपने बालों को बालों का हम ख्याल नहीं रखते हालांकि आपकी पर्सनैलिटी को आपकी ओवरऑल लुक को एक अच्छी लुक देने के लिए बालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आपके बाल अच्छे नहीं बने हुए आपकी पर्सनलिटी बिल्कुल ड्रैम हो जाती है इसी तरह जैसे ब्राइड्स होती हैं अगर उनका बहुत अच्छा मेक ओवर किया गया लेकिन उनके बाल अगर अच्छे नहीं हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं हुई तो उनकी कोई लुक भी नहीं बनती और मेकअप का भी कोई फायदा नहीं होता ठीक है सो so, अगर आप बालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाल आपके प्यारे नहीं लगेंगे ठीक है अपने हेयर स्टाइलिंग करनी है जी हमने स्ट्रेट करने हैं कर्ल करने हैं क्रीम करने हैं कुछ भी करने हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है सो अपने बालों की केयर आज से ही करना शुरू करें आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि अगर वो टिप्स आप कर लेते हैं तो आप अगर हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज भी कर रहे हैं ना तो आपको उनका बहुत कम से कम नुकसान होगा और अगर हुआ भी है तो आपके बाल जो है वो रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए

जो इसका टिप है वो ये है कि हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप परचेज करो सारे बालों में वो लगाओ और वो लगाने के बाद आप नेक्स्ट अपने बालों के ऊपर जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं नंबर वन था हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर टू है कि मैं क्या करती हूँ कि आज मैंने बाल स्ट्रेट किए हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाई स्ट्रेटनर किया उसके बाद अगर आज शाम को मैंने नहाना है ठीक है शाम को मैंने शॉवर लेना है तो शॉवर लेने से पहले मैं क्या करूँगी मैं करूँगी ऑयलिंग अपने बालों की कोई भी ऑयल ले लें ले आप ठीक है ऑयलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जब आपने बालों को स्ट्रेट किया ना बालों के ऊपर लगाया तो बाल आपके ड्राई हो जाते हैं मोस्टली आपके बाल ड्राई जलने की वजह से हो जाते हैं ठीक है ठीके? उनके अंदर जो मॉइस्चर एक होता है आप उसको जला देते हो खत्म कर देते हो ठीक है तो आपने क्या करना है आपने लगाना है ऑयल किसी भी किस्म का सरसों का है बादाम का है या हेयर फॉल के लिए आप यूज़ uh, कर रहे हो हेयर ऑयल कोई भी हेयर ऑयल जो आप यूज़ करते हो नॉर्मली आप वो लो उसको अच्छे से लगाना है ना सिर्फ स्कैल्प पे मसाज करना है आपने बालों की एंड्स पे भी मसाज करना है यहाँ पे टिप जो है टिप नंबर टू वो हेयर ऑयल है और हेयर ऑयल की एप्लीकेशन है जस्ट लगा के छोड़ नहीं देना आपने बालों को अच्छे से यू 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 करके ठीक है ऑलमोस्ट टेन स्ट्रोक्स लगाने लाइक दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन आगे फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव ये ऑयल के साथ ठीक है इससे क्या होगा मेक मिक्सोर आप कर लोगे कि आपके बाल अच्छे से ऑयल के साथ जो है वो फुल हो गया मतलब ऑयल के ऊपर अच्छे से लग गया ठीक है आपने जब अच्छे से लगा दिया दोनों साइड के ऊपर ऑयल को उसके बाद आपने घंटे डेढ़ घंटे के लिए बालों को इसी तरह छोड़ देना है ऑयल लगा के फिर आपने जाके वॉश कर देना जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हो वॉश किया वॉश करने के बाद टिप नंबर थ्री ठीक है हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि जब हम लोग ऑयल लगाते हैं तो कंडीशनर छोड़ देते हैं कि कंडीशनर नहीं लगाने की क्या जरूरत है हेयर ऑयल लगा लिया लेकिन हेयर ऑयल लगाने के बाद कंडीशनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो आपने कंडीशनर मस्त लगाना है और कंडीशनर की क्वांटिटी अगर आप पहले इतनी लेते हैं तो जब आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हो तो फिर थोड़ी सी आपने बढ़ा देनी होती है जितनी आप क्वांटिटी पहले ले रहे हो उसे तो थोड़ी सी बढ़ा दे बढ़ा के बालों में अच्छे से मसाज करके उसको छोड़ दें देन आप जिस तरह वॉश करते हो वॉश करके आप बाहर आ जाओ ठीक है अब नेक्स्ट क्या करना ये टिप नंबर थ्री था ठीक है टिप नंबर थ्री क्या था कि कंडीशनर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अब है टिप नंबर फोर टिप नंबर फोर क्या है हेयर मास्क ये आपने एक्स्ट्रा एक चीज अपने बालों के लिए करनी है अपने लिए करनी है ठीक है अगर तो आप अपने बालों से प्यार करते हैं और कौन से मास्क हैं कोई भी आप ले सकते हो जैसे मैं आजकल जो यूज करती हूँ ये है जैसे ये है क्यूने का ठीक है ये क्यूने का इस तरह से मास्क आप, आपको मिल जाएगा आप ये यूज़ कर सकते हो मैंने ये एक कैराटीन का भी रिव्यू किया हुआ है ठीक है आप यूज ये करना चाहो तो ये भी कर सकते हो इस तरह से भी मास्क होते हैं इसका रिव्यू मैं अभी यूज कर रही हूँ तो आपको इसका रिव्यू बाद में डिटेल दूंगी कि किस तरह का प्रोडक्ट है वर्थ बाइंग है या नहीं क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है ये वाला हेयर मास्क तो मैं आपको इसका बाद में रिव्यू दूंगी सो तो इस तरह के मास्क जो भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में आप वो यूज़ कर सकते हो लेकिन ये आपने लाजमी यूज करना है यहाँ पर मैं डी को उस तरह से प्रमोट नहीं करूंगी उसकी रीजन ये है कि डीए नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट जो होते हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं तो जब आप वालों के साथ इतना सत्यानाश कर रहे हो ना तो यहां पे आपको फिर इस तरह की चीजें जो है, वो पढ़ती हैं वो लाजमी यूज करनी पड़ती हैं पड़ती ही पड़ती हैं ठीक है थीके? हम लोग सैलोन पे जाते हैं तो सलोन पे जाके हमें एक ही दफा के यूज में क्यों इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं क्योंकि वो इस तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं ठीक है डीआईवाई अगर आप स्टार्ट से कर रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप बीच में आके कभी 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 करते हो कि जब प्रॉब्लम लगी तब आपने यूज किया तो फिर कोई फायदा नहीं है उस डीआईवाई का तो आपने ये मास्क लगाना है अब ये देखिए आज मैंने ये किया जैसे बाल स्ट्रेट किया अभी मैं हेयर ऑयल लगाऊ हेयर ऑयल लगाने के बाद वॉश करूंगी कंडीशनर लगाऊंगी देन फिर मैं लगाऊंगी मास्क मास्क का मेथड लगाने का क्या है वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे वो वैसे सबको पता होगा नहीं भी होगा तो जब मैं इसका रिव्यू करूंगी तो आपको पता चल जाएगा वो लगाया वो लगाने के बाद मैं नेक्स्ट क्या करूंगी बाद मेरा खत्म हो गया काम उसके बाद आप सीरम लगाना चाहो बालों के ऊपर लगा लो ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है आप जब ये ट्रीटमेंट करोगे ट्रीटमेंट करने के बाद आप खुद ही फील करोगे कि आपके बाल बहुत हेल्दी हो गए इवन आपने अभी हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करने के बाद की मैं बात कर रही हूं ठीक है नॉर्मली क्या होता है कि जब जब हम हम कोई भी हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करते करते हैं 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 उसके बाद शॉवर लेके आते बालों को वॉश ना तो हमारे बाल बहुत रूखे उड़े उड़े और फीजी बाल हो जाते हैं ठीक है लेकिन जब ये सारा कुछ करोगे तो आपके बाल आपको पहले से ज्यादा हेल्दी और स्मूद लगेंगे ठीक है अच्छा अब ये चीज होगी लेट्स सपोज आज मैंने ये काम किया जो मैंने आपको बताया अब एक से दो दिन के बाद या कल ही मुझे दोबारा हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करना पड़ गया है आज मैंने स्ट्रेट किए कल मैंने कर्ल्स करने थे ठीक है तो मैं कल्स कर लूंगी कल्स करने के बाद अगेन जब भी मैंने शॉवर लेना है बेशक दस दिनों के बाद लूँ बेशक तो अगले दिन ही ले लूँ जब भी मैं शॉवर लूंगी अगेन ये चीज रिपीट करूंगी हेयर ऑयल मास्क कंडीशनर मास्क का ये नहीं है कि वंस इन अ वीक है ठीक है यह वंस इन अ मंथ है वो वंस इन अ मंथ वाला होता है लेकिन वो तब होता है जब आप अपने बालों के साथ कोई साइकिल हैंकी पेंकी नहीं कर रहे हो ठीक है लेकिन जब आप बालों के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप हार्श कोई चीज यूज कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी देना पड़ेगा ठीक है तो ये जनाब मैं करती हूँ और बेशक अगर मैम महीने के मैं बोलूँ ना आपके तीस दिन मैंने हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करना है तो महीने के तीस दिन मैं ये करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अवॉइड करें कि कम अज कम यूज करें जहां पर आप अवॉइड कर सकते हो हेयर स्टाइलिंग टूल को वहां पर करो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा अपने बालों को जलाने की जरूरत नहीं है लेकिन कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं जहां पे आपको करना पड़ता है ठीक है तो आप वो ये लाजमी करें फिर या तो कंप्रोमाइज़ कर लें बालों के ऊपर अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना फैशन भी करना तो साथ ही साथ फिर दोनों चीज़ों को लेके चलें ठीक है तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं इसको लाजमी ट्राई करें और हम हंड्रेड परसेंट शोर के आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सिंपल सी चीज़ है तो काफ़ी आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो लाजमी लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपको जब आप हेयर स्टाइलिंग टूल पहले यूज़ करते थे और ये चीज़ें नहीं करते थे तब आपका क्या फीडबैक था तब आप क्या फील करते थे और आपको कैसा रिजल्ट इसका मिला ये सब कुछ करने के बाद आ, ताकि उससे मुझे भी सीखने को मिलता है बिल्कुल तो हर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता तो वो एक बस इस तरह का चलता रहता है कि मुझ पे अगर ये इस तरह से वर्क कर रहा है तो फलाने बंदे पे किस तरह से वर्क कर रहा होगा तो अपना तो फीडबैक लाजमी दिया करें ये बहुत एक अच्छी चीज होती है जब आप किसी को किसी का फीडबैक देते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो अगेन प्लीज को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे मत चले जाइएगा तो जनाब मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़